हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज मैं एक बंगाली स्वीट बनाने जा रही हूँ जिसको कि नारकेलर नारू कहते हैं। वैसे तो ये रेसिपी फेस्टिवल्स में बनाई जाती है, बट आप इसको फास्ट में या कभी भी मन करे तो आप इसको बना के रख सकते हैं और 2 से 3 हफ्तों तक आराम से खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल के बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्रेश कोकोनट लिया है जिसका ऊपर ब्लैक वाला लेयर हटा दिया है, और महीन ग्रेटर, एकदम जो महीन वाला ग्रेटर आता है उससे ग्रेट कर लिया है इसको। तो ये पूरा एक कटोरी मैंने लिया है, इसको मैंने कढ़ाही में ऐड कर दिया, और सेम उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे जैगरी ले लिया है गुड़, तो इसको भी हम उसी जो ग्रेटेड हमारा कोकोनट है उसमें ऐड कर देंगे। अगर फ्रेश कोकोनट नहीं है तो आप नॉर्मल जो कोकोनट आता है उसको भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ी चम्मच चीनी। चीनी ऐड करना ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहते हैं तो ना ऐड करें, बट इससे कलर अच्छा आ जाता है। तो हाथ से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब गैस जला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे इसको चढ़ा दिया, और गैस पे चढ़ाने के बाद पहले हम मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर लो फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक जो इसका मिक्सचर है वो थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए, मतलब लड्डू जैसा शेप ना आने लगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट लगता है, तो यहाँ पे 15 मिनट्स हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो यहाँ पे मैंने कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर ऐड कर दिया, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो ना ऐड करें। तो पूरे 25 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं एक बार टेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये शेप में आ रहा है लड्डू के, तो ये लड्डू जैसा शेप बन रहा है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया 1/2 चम्मच घी, और घी ऐड करने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे आप बर्फ़ी की तरह जमा के भी पीसेस में कट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है। तो और फिर हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसको अलग बॉल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक बार देखिए, मैं फिर से टेस्ट कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से लड्डू का शेप ले रहा है, बिल्कुल रेडी है। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट ग्रीस कर ले रही हूँ घी से, और प्लेट को ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पे अब लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। ये जब थोड़ा सा गर्म हो तभी हम स्टार्ट करेंगे, वरना अगर ये पूरा ठंडा हो गया तो लड्डू आपके नहीं बनेंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही आपका मिक्सचर रह जाएगा। और अगर आपका जो मिक्सचर है वो ज़्यादा है तो एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को फटाफट बुला लें बनाने के लिए, क्योंकि इसको बहुत फटाफट बनाना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल सुंदर सा शेप दे देंगे लड्डू का। तो ऐसे देखिए छोटे छोटे से, या फिर आप बड़े बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बड़े बना लीजिए। ये एक बहुत सिंपल और हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी क्योंकि हम इसमें गुड़ यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैं ये लड्डू बना ले रही हूँ, बिल्कुल चिकना चिकना करके बना ले रही हूँ। तो लड्डू बनाने से पहले थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे ही मैं सारे लड्डू प्रिपेयर कर लूँगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और इन लड्डुओं को आप आराम से एयरटाइट कंटेनर में रख के 2 से 3 हफ्ते तक खा सकते हैं। तो अगर व्रत हो या कोई त्यौहार हो या गेस्ट आने वाले हो तो ज़रूर बनाइए, और अपना एक्सपीरियंस मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।